मैं इसका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मैजिकल डीआईवाई होम रेमेडी। जी हाँ, जैसे कि थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ विटामिन सी ऑयल या फिर ऑरेंज पील ऑयल। आप इसका आप इसे लेमन के पील से भी बना सकते हो। उसके बारे में, उसे किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, हमें वीडियो मैंने पूरा डिटेल से बताया है। लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, देन एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। दोस्तों, विटामिन सी हमारी स्किन में जो कोलाजन नाम का प्रोटीन होता है उसे बूस्ट करता है, जिससे कि हमारी स्किन में समय से पहले झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, रिंकल्स, फाइन लाइन्स को धीरे धीरे ये रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके ऑयल का सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क होता है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके हाइड्रेट करता है, जिससे कि आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं आती हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो तो आपके डार्क स्पॉट्स, कई बार पिंपल्स वगैरह के हो जाते हैं या ऐसे भी है, उन्हें भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। इवन अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों ये उसे भी लाइटन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, समझना होगा, एंड उसके बाद जैसे हम बताते अगर वैसे एज इट इज़ आप वैसे फॉलो करते तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी रेमेडी करते वक्त आपके माइंडसेट में पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए। आपको बिलीव करना होगा कि ये वर्क करेगा, क्योंकि दोस्तों ये होम रेमेडी है। पहले के टाइम पर कोई कॉस्मेटिक वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, ये साधारण सिंपल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्क करती थी। ये आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन ऑक्सीडाइज इन द सेंस ऑफ ख़राब नहीं। ख़राब होने का मतलब आपकी स्किन में किसी भी, सबसे पहले तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन में जितनी नमी की ज़रूरत है उतना मॉइस्चराइज करेगा। मीन्स अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अगर आप इसका अप्लीकेशन करते तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेगी, कि आप सोचोगे यार मेरी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली हो रखी है, मैं क्यों इसका इस्तेमाल करूँ और ज़्यादा। तो क्योंकि हम जो ये हमारी जो रेमिडीज़ होती हैं उनको पता होता है कि आपकी नीड क्या है। तो अगर ऑयली है तो उसे बैलेंस करेगी, अगर ड्राई है तो उसे और अच्छे से आपकी स्किन में जो ऑयल कंटेंट है उसे बढ़ाएगी। एंड हमें ले लेने हैं संतरे के छिलके। आप लेमन के या नींबू के भी छिलके ले सकते हो, तो आप उसको ग्रेट भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कटोरी। दोस्तों, हमें संतरे के छिलकों को सोक करना है जैतून के तेल के अंदर विटामिन कम से सी कम ऑयल 24 से बनके तैयार हो 36 जाएगा। घंटे के हमें लिए, एंड उसके बाद हमारा ऑयल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। देन उसके बाद हमें ये जो मिक्सचर है उसे डबल बॉयलर मेथड से हीट कर लेना है कम से कम 5 मिनट के लिए, एंड उसके बाद हमारा ऑयल बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे सनलाइट में भी रख सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम विटामिन सी को तो डायरेक्ट चलिए हम हीट नहीं इसे कर स्ट्रेन सकते, कर लेते क्योंकि ऐसा हैं। करने से ये तो जो इसके विटामिन सी होता है ख़त्म हो जाता है या जल जाता है। विटामिन ई कैप्सूल, तो देना अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बनके तैयार है विटामिन सी ऑयल, एंड दोस्तों ये कम से कम 1 से 2 महीने तक ये हमने प्रिपेयर इसकी कर शेल्फ लिया है, लाइफ तो है। स्टेशन करके दिखा देती हूँ आपको। तो आप इसे दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक पहला है कि आप इसे हथेली में लेके रब करके एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड सेकंड है कि आप इसको जैसे नॉर्मल हम लोग सीरम वगैरह यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन करना है। एंड उसके बाद अगर आपके स्किन में पपड़ियाँ या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या बहुत ज़्यादा डेड सेल हैं, तो उसको क्या करना है, आपको अपनी स्किन में पहले स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करके स्क्रब कर लें। एंड उसके बाद दोस्तों
हमें अपनी स्किन को थोड़ी सी स्टीम देनी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मात्र इसकी 2 ही बूंदें लें। अगर लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे 3 से 4 बूंदें करें। एंड इसे आपको डेली करना है, एक दिन छोड़ के। इसके लिए आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आई हो जैसे मैंने बताया, अगर आप उस प्रकार से इसको मसाज करते हो एंड आपको इसे कम से कम 1 मंथ तक के लिए करना है। एंड दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे आएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो दोस्तों आपकी स्किन में वंडर वर्क करेगी। तो दोस्तों, ये किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले कर सकते हैं। अगर उनको पिम्पल्स वगैरह, लेकिन जिनको पिम्पल्स एंड एक्ने हैं वो लोग दोस्तों इसका मसाज ना करें, क्योंकि उससे आपको बढ़ सकता है। एंड उसके अलावा जिनको नींबू से या संतरे से एलर्जी है तो दोस्तों वो लोग भी इसको ना करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी होम रेमेडी या DIY अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक।